हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं एक आपको A450 ड्राइवर और A450 नेटवर्क किट को या फ्लेयर को एक कैबिनेट में फिट करके दिखाऊंगा। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आएगा, तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए, ये वाला कैबिनेट का बॉक्स है, इसमें फिटिंग करेंगे। चलिए तो फिटिंग करते हैं, आपको दिक्कत है। पहले हम एच एफ ड्राइवर को और नेटवर्क किट को अनबॉक्सिंग करके दिखाएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए, पहले तो हमारा ये एच एफ ड्राइवर है और ये नेटवर्क प्लेट है, इसको बाद में अनबॉक्सिंग करेंगे, पहले इसको अनबॉक्सिंग करके दिखाते हैं, चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ से अनबॉक्स किया, ये है 450 एच एफ ड्राइवर। बहुत अच्छा एच एफ ड्राइवर है, इससे आपको साउंड क्वालिटी में कोई दिक्कत नहीं आएगा और बहुत अच्छा है। ये देखिए, तो जो इसका मॉडल नंबर है वो है EA4441 और इम्पीडेंस 8 ओम में, ठीक है, और इम्पीडेंस 8 ओम में है। और कंप्रेशन ड्राइवर यूनिट बोलते हैं इसको, और ज़्यादातर लोग इसको HF ड्राइवर भी बोलते हैं। तो बात करते हैं इस नेटवर्क प्लेट को, पहले हम इसको अनबॉक्सिंग करते हैं। कंडीशन में ये है HRD D450, ये देखिए 450 का है, और यहाँ लिखा है, ये देखिए मैं कैमरा को थोड़ा फोकस करता हूँ तो आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है इन और ग्राउंड और जी और HF, जी मतलब ग्राउंड, ये दोनों ग्राउंड है, ग्राउंड दोनों एक ही है। और यहाँ से इन होता है, इन होके यहाँ से आके यहाँ HF जो लगे यहाँ से आउट होता है। तो ये दोनों जो वायर है, देखिए आपको दिखाता हूँ, तो ये दोनों जो वायर है वे लगेगा हमारे HF ड्राइवर के नेगेटिव और पॉजिटिव में। और ये जो रेड कलर का ब्लैक एंड रेड वायर है ये लगेगा हमारे एम्पलीफायर में, तो ये जो स्पीकर से लाइन होता है वहाँ पर लगेगा। चलिए आपको फिट करके दिखाते हैं। ये देखिए, ये है पहले हमारा नेटवर्क प्लेट, तो इसको हम यहाँ पर फिट करेंगे, और इसके लिए दो पेज चाहिए। तो पहले फिटिंग कट, तो ये पेज है, इसको हम कसेंगे, कस के फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए, हमारा ये बोट कसना रेडी फिट हो गया है। अब इसको हम HF ड्राइवर को और नेटवर्क के बाद HF ड्राइवर और फ्लेयर को लगाते हैं। ये देखिए, ये है हमारा फ्लेयर, ठीक है, इसके बाद ये है हमारा HF ड्राइवर, इसको हम फिटिंग करते हैं, फिर आपको दिखाएंगे। चलिए मैं इसको फिट करके दिखाता हूँ। ये जो है इसको आप संभाल से और धीरे से करिएगा, अगर आप इसको अगर आप जोर लगाते हैं तो यहाँ से टूट जाएगा और ये ख़त्म। पहले धीरे से करिएगा, ये देखिए फिट हो गया है। अब ये हो गया है, अब इसमें से और अब ये जो ग्रीन और ब्लैक ग्रीन है वो हमारा पॉजिटिव, और ये ब्लैक जो है ये नेगेटिव है। तो ये दोनों वायर को छील लेते हैं और आपको यहाँ पर लगा के दिखाते हैं। ये है हमारा स्ट्रिप कटर, और ये देखिए हम इसको अब छील लेते हैं। ये देखिए, दोबारा छिला हो गया है, अब इसको हम फिटिंग करते हैं। चलिए, ये जो पॉजिटिव है, पॉजिटिव में हम ये वायर लगाएंगे। ये लगाया हो गया है, आप एक बार इसको खींच के देख लीजिएगा, अरे ये ढीला हो गया तो ये बहुत प्रॉब्लम करेगा। हम नेगेटिव को लगाते हैं, और ये नेगेटिव भी लगाना हो गया है हमारा। तो हमारा जैसे ड्राइवर जो है वो रेडी हो गया है, अब इसको हम इस कैबिनेट में कस लेंगे। चलिए कस को दिखाते हैं। दरअसल सॉरी हो गया, मेरा काम भूल गया था, ये जो आउटपुट का वायर है उसको लगाना भूल गया था, आपको लगा के दिखाते हैं। ये वाला वायर जो है ये लगाना भूल गया था, ये वायर के लगाते हैं। एक और बात, अब जो इस वायर को लगाएंगे तो यहाँ पर गिट्ठा मार दीजिएगा, नहीं तो ये अगर
नीचे से अगर पीछे से अगर खींच जाएगा ना तो यहाँ पर लगेगा, अगर आप दिखा नहीं मानते तो खींचने के बाद तो यहाँ से जो क्या हुआ जो जॉइंट है वो छूट जाएगा। तो पहले आपको कैसे दिखा था फ्रेंड्स, यहाँ पर टेपिंग जरूर कीजिएगा, अगर आप टेपिंग नहीं करते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर दोनों वायर आपस में शॉर्ट हो गया तो बहुत दिक्कत आएगा। ये देखिए हमारा लगाना हो गया है, अब इसको हम टेपिंग करते हैं। ये देखिए हमारा कसना हो गया है, अब इसको हम स्क्रू फिटिंग करके तो स्क्रू हम ले आते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए 8 स्क्रू हैं, 8 स्क्रू को हम लगाते हैं। एक हो गया, दो, उसके बाद तीन, उसके बाद चार, उसके बाद पाँच, उसके बाद छः, उसके बाद सात, और इसके बाद आठ। मैं को इसके बाद मैं कसूंगा। तो यह मेरा कॉर्डलेस ड्रिल है, बहुत अच्छा ड्रिल है, आप इसको ही से टाइट करिएगा। तो पहले हम आपको टाइट करके दिखाते हैं। ये देखिए हो गया। ये देखिए फिटिंग हो गया है, अब इसको हम टेस्ट करके दिखाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये है हमारा 370 का एम्पलीफायर अबूजा का है, ये बहुत अच्छा एम्पलीफायर है। ये हमारा लिखा हुआ है DPA 370 और ये है वॉल्यूम टोन, ये है HF ड्राइवर के लिए मैं यूज़ करता हूँ। तो चलिए, तो ये है हमारा फोरम का जो बॉक्स मैंने लगाया था, फिटिंग कर दिया था, तो ये है। और ये है हमारा एम्पलीफायर, ये जो है अबूजा का DPA 370, तो इसको हम कॉमन और ऑटो में लगा के दिखाते हैं। मेरे पास है एक पेचकस, तो मैं कॉमन ऑटो में लगा के दिखाता हूँ। तो नेगेटिव नेगेटिव को मैं नेगेटिव में लगाता हूँ। मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ तो बहुत जल्दी वीडियो बन जाए। ये देखिए मैंने कॉमन में नेगेटिव और ऑटो में पॉजिटिव जो लगा दिया है। और चलिए तो हम फ्रंट पैनल में जाके हम टेस्टिंग करते हैं। तो मैंने फाइनली कनेक्शन की दिया है और ये है ऑफ जैक हमारा। तो पहले हम एम्पलीफायर को ऑन करते हैं। ये देखिए हमने एम्पलीफायर ऑन हो गया, यहाँ पर लिखा ऑन। ये देखिए यहाँ पर हो गया है, तो अब इसको हम ये जो है ऑक्स टू लिखा हुआ है यहाँ पर हम वॉल्यूम देके देखते हैं। ये देखिए आवाज़ किया। मैं माइक को वहाँ पर ले जाता हूँ। देखिए आवाज़ कर रहा है।
दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक लाइक कर दीजिएगा। तो बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।